चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना अंतर्गत वर्धा पुलिया के पास स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में शुक्रवार साय 6:30 पर राजेश पुत्र कारूलाल उम्र 35 वर्ष निवासी डूंगरपुर की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश हरिजन व अनिल हरिजन सागवाड़ा से डूंगरपुर की तरफ जा रहे थे कि वर्धा पुलिया के पास सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस को सूचना मिलते ही थानाधिकारी साकर चंद, हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, प्रहलाद सिंह चीखली व सुरेंद्र सिंह टोकवासा मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा पहुंचाया गया, जहां राजेश की रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि अनिल को उदयपुर रेफर किया गया है। मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पर सुबह शनिवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। स्कॉर्पियो को जब्त कर पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। सर, किस तरह की घटना हुई है बताइए। अभी मेरा रिश्तेदार राजेंद्र सागवाड़ा से डूंगरपुर जा रहा था, वो डूंगरपुर का निवासी था और जीरो बाइक लेके जा रहा था। सामने से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, उसका नंबर है RJ12UA14881488, उसने पूर्व जड़प और नेग्लिजेंसी ड्राइविंग करके हमारे रिश्तेदार को सर पर डेड किया। पीछे पिलियन राइडर बैठा था, उसका नाम अनिल था, उसको हैवी इंजरी हुई। उदयपुर में वो अभी एडमिट है, ट्रीटमेंट में, उसकी भी तबीयत खूब नाजुक है। कब की घटना है सर ये? कल की घटना है, कल शाम को 6:30 और हमारी जो ये मांग है कि इंजर पर्सन और डेड पर्सन को पूरी तरह से ये कॉम्पेंसेशन मिले, अन्याय न हो। वर्धा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की थी, वर्धा पुलिस स्टेशन वालों भी पूरा सहकार दिया है, हमारे साथ है, इधर PM हो रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम यशवंत सी सोलंकी, मैं गुजरात का मोड़ासा का निवासी। क्या रिश्तेदार हैं आपके? हमारे बहन जी के डियर होते हैं। ओके, धन्यवाद सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से बात करने के लिए, आपका शुक्रिया। थैंक यू। सर नमस्कार, किस तरह की घटना हुई है? कल शाम को 7:00 सूचना मिली कि एक नाल वर्धा के पास में स्कॉर्पियो गाड़ी से स्कूटी सवार के एक्सीडेंट हो गया है। इस पर हम वहाँ मौके पे पहुंचे तो ये स्कूटी सवार नीचे रोड पे पड़े हुए थे, जिनको हमने 108 की सहायता से यहाँ था ला करके हॉस्पिटल ले आए जी। तो हॉस्पिटल यहाँ डॉक्टर को बताया, उसमें एक राजेंद्र करके था, वो उसको मृत घोषित कर दिया और एक अनिल था, उसको रेफर किया जी। उसका इलाज उदयपुर चल रहा है। किस तरह की कार्रवाई होगी सर? इस एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कर लिया है जी, कार्रवाई जारी है, अभी पोस्टमार्टम करा करके लाश वाली शर्त सिपोर्ट कर दी जाएगी जी। धन्यवाद सर जी। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, शीघ्र नई खबर लेकर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद, देखते रहें सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल।